मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। शिवसेना के साथ चल रही है बाकी लोगों की जुबानी जंग। जी हाँ, यहाँ पर हम बता रहे हैं कुछ ऐसी लाइनें, कुछ ऐसा कहा गया था जो आज सच होता जा रहा है। बताते चले कि क्लाइंट, वो तो याद ही होगी आपको कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये बात किसी और ने नहीं, ये बात कंगना रनौत ने की थी। और आज जब उद्धव ठाकरे के साथ इतना कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वही दूसरी तरफ उनकी सरकार गिरने वाली है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विधायक थे, 42 विधायक से ज्यादा हो गए थे, 46 लगभग हो गए, उन सब ने उस पत्र पे साइन भी कर दिया है कि हम थक चुके हैं एनसीपी से, हम थक चुके हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से, हम अब भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर सब लोगों ने कंगना की वो बात को याद किया जब कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है और कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। इस तरीके की बात यहाँ पर चल रही है। बताते चले आपको कि वो दौर याद होगा सबको जब तोड़फोड़ को लेकर कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा था। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, ये एक जैसा नहीं रहता है। बता दें कि उस समय क्या हुआ था कि बीएमसी की कार्रवाई को लेकर कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए थे, एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने सीधा उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी और कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने फिल्म माफियाओं के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझे बहुत बड़ा बदला लिया है, आज मेरा घर टूटा है तो कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और आज कहीं ना कहीं घमंड टूटता हुआ नजर भी आ रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार का। कंगना ने कहा था कि मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीर के पंडितों पर क्या बीती थी, आज मैंने महसूस भी किया। आज मैं देशवासियों को वजन देती हूँ और वचन भी देती हूँ कि अयोध्या ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनवाऊंगी। इस तरीके की बात यहाँ गई और कश्मीर पर फिल्म भी बनी, वो सबने देखा भी, यानी कि कंगना की एक एक बात यहाँ पर सच होती नजर आई, या फिर कह लीजिए कि कंगना ने दिल से वो सारी बातें कही थी जो अब यहाँ उद्धव ठाकरे के साथ बीतती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कोरोना पॉजिटिव हो जाना और एक तरफ एकनाथ शिंदे का बाकी विधायकों से साइन ले लेना और उसके बाद इस तरीके की खबरें आना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठाकरे परिवार भी टूटेगा और साथ ही साथ शिवसेना भी यहाँ पर टूटती नजर आएगी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कंगना रनौत की एक एक बोली बात अब सच होती नजर आ रही है? अपनी राय जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।